जी फतेह। कल 10 तारीख को हमारे 5वें गुरु श्री अर्जुन गुरुदेव जी का शहादत दिवस, शहीदी दिवस, जो कि हम लोग श्रद्धापूर्वक मनाते हैं, तो इस उपलक्ष्य में मीठे शरबत का आवंटन किया जाता है संगतों में, लोगों में, क्योंकि गर्मी में, भरी गर्मी में गुरु जी की शहादत मिली थी। एकदम तपती हुई रेत में उनको शहीद किया गया था। उसी को ध्यान में रखते हुए शरबत का बांटा जाता है, क्योंकि हर इस तपती गर्मी में लोगों को शरबत से गर्मी के राहत का एहसास कराया जाता है। इसी उपलक्ष्य में एक दिन पूर्व आज इसी नटराज होटल के सामने ये किया गया है, और कल गुरुद्वारा में इसका प्रोग्राम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जैसा कि आप सब जानते हो, सिखों के 5वें गुरु धन धन साहेब गुरु अर्जन देव जी महाराज जी, जो कि 1606वीं सदी में उनको शहादत मिली थी मुगलों के खिलाफ, उनके जो जुल्म है उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। उन्हें तपती गर्मी में, गर्म रेत से तपते हुए तवे में बैठा करके उनको शहादत दिया गया था। तो उसके उपलक्ष्य हर साल सिखों में ये प्रथा है कि ये गुरपुरब के पहले एक कच्ची लस्सी, जो हमें बोला जाता है मीठे शरबत, जो उनकी बाणी थी तेरा बाना मीठा लागे, उसके उपलक्ष्य हम लोग एक कच्ची लस्सी छबील लगाते हैं, जिसमें सब जो भी संगत हैं, किसी भी धर्म के हैं, सबको कच्ची लस्सी से इस गर्मी में राहत देने के लिए उन्हें कच्ची लस्सी की सेवा की जाती है। आज उसी उपलक्ष्य झारसुगड़ा में सारी संगत मिल करके झारसुगड़ा में छबील की सेवा लगाए हैं। 10 तारीख कल गुरुद्वारे में उनका गुरपुरब मनाया जाएगा और कच्ची लस्सी की सेवा होगी। आप सब आमंत्रित हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।